गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सभी। आई एम तुलसी शर्मा, ईवीएस टीचर फ्रॉम रॉयल इंटरनेशनल स्कूल खेड़ा, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 4। ओके, दैट इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, गोइंग टू स्कूल यानी कुछ बच्चे हैं इस स्टोरी में, ओके, जो घर से स्कूल जाते हैं और उस घर से स्कूल जाने के दौरान उस बीच वो कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं। ठीक है, और वो एक्टिविटीज़ क्या होती है और उन्हें क्या क्या उस दौरान वो देखते हैं वो हम स्टोरी में देखेंगे। ओके, तो नंबर 1 है ब्रेक्स। ओके, सबसे पहला है ब्रेक्स, यानी वो क्या करते हैं जब जा रहे होते हैं स्कूल, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर रास्ते में उन्हें ब्रेक्स मिलती हैं तो उन्हें क्या करते हैं, वो कलेक्ट सम ब्रेक्स, ले रहे हैं ऑन द ग्राउंड इन द लाइन एंड ट्राई वॉकिंग ऑन दैम। क्या करते हैं वो, उन ब्रेक्स को, उन ईंटों को ज़मीन पर बिछाते हैं और उन पर चलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये पहली एक्टिविटीज़ हैं जो कुछ बच्चे करते हैं। नेक्स्ट होता है बैम्बू ब्रिज। ठीक है, बैम्बू ब्रिज पर से भी वो लोग क्रॉस करते हैं कुछ बच्चे। बैम्बू ब्रिजेस जो होते हैं वो ज़्यादातर आसाम में हमें देखने को मिलते हैं। ओके, कहाँ मिलते हैं, आसाम में। ठीक है, सो अगर आप कोशिश करोगे, जैसे मेक अ स्मॉल ब्रिज बाय टाइंग 4 or 5 बैम्बू पोल्स टुगेदर, अगर आप 4 से 5 बैम्बू के जो पोल्स हैं अगर उन्हें बांधोगे और उन पर कोशिश करोगे चलने की, देखो थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जो आसाम में जो बच्चे रहते हैं वो क्या क्या करते हैं, इनके एक हाथ में बुक्स होती है और एक हाथ से वो उस बैम्बू को पकड़ते हुए चलते हैं उस ब्रिज पर, तो बहुत मुश्किल होता है वो चलना। और अब खासकर वो अगर हम स्लीपर में या शूज़ में होते हैं तो बहुत मुश्किल होता है, तो उन्हें वो स्लीपर शूज़ अपने हाथ में पकड़कर और नंगे पैर यानी बैर फुटेड चलना होता है। ठीक है, तो ये सेकेंड एक्टिविटी है, बैम्बू ब्रिजेस पे भी वो बच्चे घर से स्कूल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रॉली। अब ट्रॉली क्या होती है, ट्रॉली ज़्यादातर लद्दाख में मिली जाती है, देखी जाती है। तो ट्रॉली क्या होता है कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग आयरन रोप। ठीक है, जो रस्सी होती है लोहे की वो उससे बंधी होती है। ठीक है, एक बॉक्स होता है लकड़ियों का बड़ा सा, जिसमें 4 से 5 बच्चे आदि बैठ सकते हैं, और वो एक किनारे से दूसरे किनारे तक हमें नदी के एक किनारे से जो काफ़ी ऊपर बंधा होता है बड़े तालाब के वहाँ से एक से दूसरी ओर हमें चेन पुली के मदद से वो हमें क्रॉस करवाता है। ठीक है, तो कुछ बच्चे इस चीज़ को भी यूज़ करके स्कूल पहुँचते हैं। ठीक है, ट्रॉली भी ज़्यादातर हमें जो लद्दाख में देखने को मिलती है। ओके, सो नेक्स्ट होते हैं सीमेंट ब्रिजेस। अब सीमेंट ब्रिजेस तो आप सभी ने कॉमन है, ये सभी ने देखा होगा, सीमेंट के जो ब्रिजेस होते हैं वो हर जगह पर पाए जाते हैं। ठीक है, हर स्टेशन पे हम देख सकते हैं उसे, हम कहीं पर भी जाते हैं तो ज़्यादातर सीमेंट ब्रिजेस ही होते हैं। तो इट इज़ मेड अप ऑफ सीमेंट, वो सीमेंट के बने होते हैं, उसमें ब्रिक्स होते हैं, आयरन रॉड्स यानी लोहे के सलिए होते हैं। ठीक है, इट मे ऑल्सो हैव स्टेप्स यानी उसमें सीढ़ियाँ भी होती हैं। ठीक है, तो ये सीमेंट ब्रिजेस भी यूज़ करते हैं बच्चे स्कूल जाने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ मैंने 4 एक्टिविटीज़ बताई हैं, यानी सबसे पहले ब्रिक्स को भी यूज़ करते हैं उस पर चलने के लिए, बैम्बू ब्रिजेस को यूज़ करते हैं, ट्रॉली को यूज़ किया जाता है, और सीमेंट ब्रिजेस को भी यूज़ किया जाता है जब घर से जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो लोग। ठीक है, तो आज हमने इनकी सिर्फ 4 एक्टिविटीज़ डिस्कस की हैं। घर पर आप प्लीज़ इन्हें एक बार फॉलो कीजिए, रिवाइज कीजिए, देखिए। ओके, और होप आपको ये 4 समझ आ गए हो। फाइनली आपके लिए एक छोटा सा नोटिस है, प्लीज़ आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, और बाहर जाना प्लीज़ अवॉइड कीजिए ज़्यादा। अगर जाना भी पड़े तो प्लीज़ अपने मुंह को रुमाल से ढकिए, मास्क है तो मास्क डालिए, और अपनी इम्यूनिटी को हमेशा मेंटेन रखिए, खाना प्रॉपर खाइए, और खाने से पहले अपने हैंड को प्रॉपरली वॉश कीजिए। ओके, तो थैंक यू सो मच, और आप प्लीज़ इसे फॉलो कीजिए, एक बार देखिए अच्छे से। ओके,